ये होगी स्टार्ट, ये होगी स्टार्ट, ये होगी स्टार्ट। अभी तो इसको लग रहा है कहीं जा रहा कॉल वाले एम्प्लॉय। आज बना रहे हैं हम लंच के लिए सांभर, पापा के लिए वैसे आलू मटर बना दिया एंड इडली भी बना रही हूँ थोड़ी सी, ताकि अगर मतलब सांभर के साथ इडली खाने का मन करे तो इडली खा सके एंड चावल का जिसका मन करे वो चावल भी खा सके। अभी बनाने लगी हूँ मैं इडली, सांभर अभी थोड़ा रहता है क्योंकि मैं मतलब बीच में थोड़ा मेरे को देख लग गई थी उसको नहलाना वहलाना भी था, फिर फटाफट से इडली विडली बन जाएगी इतने में, फिर सांभर को तड़का लगा के एंड देन चावल बना लेंगे। सांभर को तड़का लगाना होता है मतलब अभी सिर्फ सब्जियां उबाली है ना मैंने। अच्छा जी, ये बैटर किससे बनाया? ये मैंने सूजी और दही का। मैं इतना टाइम बैंगलोर रहा था, मैंने वहाँ पे इतनी इडली नहीं खाई हुई जितनी तूने खिला दिया। हर दूसरे लगते हैं पर दूसरे दिन मतलब परसों तो हमने खाई है नो, बट परसों और सांभर थोड़ी था और जो परसों तो इडली की बात हो रही है ना, तभी तो आपके लिए मैं चावल बना रही हूँ आज, आपको इडली नहीं खिला। हाँ मैंने खानी भी नहीं है, रोज हर दूसरे दिन इडली बनाती है, इतना खा के बोर हो चुका हूँ। पता नहीं मैं क्यों नहीं हो रही हूँ बोर। सुबह इडली बन रही होती है, कभी शाम को बन रही होती है इडली, पता है वैसे बच्चों के लिए भी अच्छी होती है सूजी वाली। अच्छा हाँ, इडली वैसे हेल्दी तो होती है बट इतनी थोड़ी खा सकते हैं। क्या इसको मतलब रखना पड़ता है क्या बैटर को? अभी नहीं, बैटर मतलब 5-10 मिनट रख दो चलता है, बट फिर मैं मेरे को ना लाना भी खाना। इनो डाला है, बेकिंग डाल दिया मैंने, अभी इनो डालती हूँ मैं बेकिंग पाउडर से, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है इतना मेरी भूलती नहीं है। तो अभी इसको यहाँ पे मैंने रख दिया है, 2:40 हो गए 15 मिनट के लिए रख के सिम पे। थोड़ा सा तेज पे, मीरो का मीरो बाहर गया है राहुल के साथ, अभी उसको बनाना खिला रही थी। हाँ और यहाँ पे ना एक्चुअली वो डॉग है ना, तो उसके छोटे छोटे 3 पपीज हैं, तो मीरा वो गेट के आगे आ जाते हैं, मीरा को वो देख लेंगे। अभी देखते कहाँ है वो, यहाँ तो नहीं आ रहा हूँ, मार गया वो। ये छोटे छोटे पपीज हैं, इनको देखने के लिए आता है मेरा। इसे देखो, ये अपनी बॉटल के साथ लगा हुआ है पानी पीने के लिए। आ गया मेरा मम, मम आ गया। मेरे आज तो बाबू बना हुआ है। बाबू मतलब बाबू जो होता है, बाबू मतलब ऐसे ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब पहनता रोज है बट आज शर्ट पैंट थोड़ा सा गर्मी भी आ गई है ना, तो मैंने सोचा इसको चला दिया, ये हल्के हल्के बना रहे थे थोड़े। मीरव ने वैसे अपना ये वाला सूट अपनी फर्स्ट लोहड़ी पे डाला था, तो ये मैं सांभर चावल ले आई हूँ, दाल चटनी एंड इधर इडली सांभर, तो सांभर के ऊपर चावल के ऊपर ही मैं सांभर डाल रही हूँ ताकि दोबारा सही में ना जाना पड़े, अभी मन ही नहीं हो रहा, आलस ही गया। रेडी है, थोड़े से मैं भी खा लूँगी। हाँ मत खाना यार, मैं टेस्ट तो करूंगी। ऐसे किया ना आपने,
आपने दो चॉइस है। सो सांबर कैसा बना है? बस सही। अच्छा अच्छा, बैंगलोर वाला है या मतलब बैंगलोर वाले से अच्छा है या उससे कम है? वहाँ का अलग स्वाद होता है, यहाँ का अलग स्वाद है। मतलब घर का तो ऑब्वियसली अलग ही होता है। बैंगलोर का थोड़ा मीठा होता है वैसे। हाँ वहाँ पे थोड़ा मीठा होता है, रेड कलर का होता है। मैंने खाया उस दिन। यहाँ पे थोड़ा खट्टा और थोड़ा स्पाइसी होता है, ज़्यादा स्पाइसी होता है। अच्छा लगता है मुझे यहाँ का, ज़्यादा बेटर लगता है। चलो सांभर तो मतलब मन नहीं भरा आपका। हाँ यहाँ पे सांभर बाहर का अच्छा लगता है, घर का नहीं अच्छा लग रहा। तो रहने दो, मत खाओ। घर का भी अच्छा है, बेटर की बात है। आलू मटर की सब्जी भी बनाई है, उसके साथ खिलाओ। 5:30 बज रहे हैं, मीरा यहाँ पे सो रहा है। ये देखो मैडम को, ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या कर रहे हो? मीरा के दो गर्मी वाले कपड़े निकाल रहे हो। गर्मी वाले कपड़े निकाल रहे हो? अभी चाय पी रहे हैं, 6:30 हो गए हैं। चाय के साथ आज का तो अभी भी मतलब इसका अलग ही टेस्ट आता है, बचपन से खाते आ रहे हैं। और तो ये देखो, ये अपनी चाय में बिस्किट डिप है, इनकी चाय में ऑलमोस्ट सारे बिस्किट है। देखो बिस्किट से भरा पड़ा है ये। अरे वो टूट जाता है तो सारे बिस्किट बीच में, उसके टाइम ही सही होती है ना। मैं साथ साथ देख रहा था, डिप हो गया। तो मीरव को अभी यहाँ पे वेस्ट बना दिए इस शर्ट के ऊपर, एंड कैप भी बना दिए। तो इसको लग रहा है अभी कहीं जा रहा है और अभी ये सबको जय कर रहा है। ये देखो, और उधर दादू को, चाचू को, ये दादू के, ये चाचू के ना सिर्फ नीज पे टच करके आ जाता है। इधर आओ मीरव, चाचू के पैर ये रहे। ये देखो इसकी बन गई चोटी। मीरव कहाँ जा रहे हो? क्या ऊपर करने से? अब ये इनको मिल गई है चॉकलेट। रात हो गई है एंड रूम अभी भी थोड़ा मैसी है, तो बस थोड़ा फटाफट से अभी ये कपड़े वगैरह वॉश करने वाले हैं तो वो निकाल रही हूँ। बट मीरव है कि वो मुझे अकेले, तो मतलब वो जैसे ही देखता है ना मैं कोई भी कपड़ा मशीन में डालने जा रही हूँ तो फटाफट से आ जाता है कि उसको भी वो डालने हैं। तो मैं उसको देखती हूँ ये कपड़े एंड देखना भी आप ये कैसे करते। तो मैंने ये कपड़े मशीन में डाल दिए थे, बट इसको मतलब ये था कि एक डालने हैं इसको, तो मैंने 3-4 कपड़े निकाल लिए ताकि हाँ ये भी खुश हो जाए। और ये गया सही से मशीन में। हाँ जी बेटे, हाँ ओ बस हम, तो अगर मैं इसको बता दूँ ना कि हाँ यहाँ पे ये कपड़े रखे हुए हैं, ये वाले लेकर आने हैं, और बाहर अगर मैं मतलब खड़ी हूँ तो ये वन वन करके उठा भी लाता है। ऐसे फोल्ड कर दो, ऐसे पकड़ो। अब इसको निया के रोने की आवाज आ गई है वहां से। देखो ये निया भी आ गई है कि इसको भी कपड़े डालने हैं धुलने के लिए। बेटे ये वॉश्ड है, चाची रखने लगी है। टॉय खेलने वाले दो, अभी लड़ाई होने वाली है। ये लड़ाई होने वाली है, ये हुई, ये होगी स्टार्ट, ये हुई स्टार्ट, ये हुई स्टार्ट, ये हुई स्टार्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मीरा कुछ काम करे और ये ना करे। ये देखो ये भी ले आई है, क्लैपिंग। वो देखो दोनों लग गए काम पे। ये देखो ये मेरा हेल्प कराता हुआ मम्मा की, पता नहीं हेल्प करा रहा है या काम बढ़ा रहा है मेरा, देखना। मेरा मेरा व्हाट आर यू डूइंग मेरा, प्लीज एक मिनट रुक जाओ, मम्मा कर रही है। पहले बताओ आपकी निक्कर कहाँ है, शेम शेम किसकी हो रही है, पजामी का है।
जूम कॉल वाले एम्प्लॉय जूम कॉल अटेंड करते हैं, ऊपर से तो टिच बना हुआ है, नीचे पजामे पहने हुए हैं। क्या है?